हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हरमनदीप सिंह और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट ऑफ गोल सेटिंग। लोग जो पुअर माइंडसेट के साथ अपना गोल सेट करते हैं वो कैसे करते हैं, और जो रिच माइंडसेट के साथ अपना गोल सेटअप करते हैं वो कैसे करते हैं। और यकीन मानिए, इस गोल सेटिंग के वे से ही, डिफरेंस से ही ये डिसाइड हो जाता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो पुअर माइंडसेट है ना, वो गोल सेटिंग करता ही नहीं है, वो सिर्फ हवा में ही अपना डिजाइन करता है फ्यूचर, और यहीं पे ही डिक्लेयर हो जाता है कि वो आने वाले टाइम पे चाहकर भी अपना गोल अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे, क्या डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। बड़ा छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनेगा, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। ठीक है, तो देखिए, रिच वर्सेस पुअर गोल सेटिंग। मैं रिच वर्सेस पुअर माइंड सेटअप ऑफ गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, रिच वर्सेस पुअर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीज ध्यान रखिए, जो लोग पुअर माइंड सेटअप के साथ गोल सेटिंग करते हैं ना, वो किस टाइप से गोल सेटिंग करते हैं। लेट्स से ए पर्सन ये कहता है कि आई विल बिकम रिच वन डे, मतलब एक दिन आएगा जब मैं रिच होऊंगा और मैं बहुत ज्यादा रिच होऊंगा। दिस इज ट्रस्ट मी अ रॉन्ग स्टाइल ऑफ सेटिंग योर गोल्स। इनफैक्ट ये गोल है ही नहीं। जो रिच माइंडसेट के साथ गोल सेट करते हैं वो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी पर्सन यानी कि अ पर्सन हु इज हैविंग अ रिच माइंडसेट ऑफ गोल सेटिंग, आई वॉन्ट to become rich, I will earn X amount, buy Y, and through Z, I will X amount by Y through Z। मतलब कि उसको क्लियर होता है कि उसको कितना कमाना है पैसा, कब तक कमाना है, और उसके पास प्लान होता है कि उसको कैसे कमाना है। यहां पे X मतलब कितना कमाना है। लेट्स से यू फ्यूचर कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, और कब तक कमाना है। लेट्स से यू डिसाइड अ डेट, मान लीजिए आप डिसाइड कर लेते हैं कि आज से एग्जैक्टली 1 साल से पहले, तो यू शुड बी हैविंग अ डेट विद यू। लेट्स से आप कहते हैं कि मुझे 2020 दिसंबर 31st से पहले पहले अपने बैंक में 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना है, तो दैट इज अ फॉर श्योर गोल। और उसके बाद क्योंकि आपने अब अमाउंट भी फिक्स कर लिया है, आपने डेट भी फिक्स कर ली है, तो नाउ द टाइम इज टू हैव दिस सेट। मतलब यू मस्ट बी हैविंग अ प्लान। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है और आप सिर्फ रफली ये सोच रहे हैं कि आपको पैसा कमाना है, तो ट्रस्ट मी अगेन दैट विल नॉट बी अ गोल। तो पुअर माइंडसेट को सिर्फ ये पता होता है कि आई वॉन्ट टू बिकम रिच, ये नहीं पता होता कि कब और कैसे। लेकिन जो रिच माइंडसेट है, अगर आप रिच माइंडसेट के साथ अगर आप गोल सेटिंग करते हैं, तो यू नो यू हैव टू बी रिच, बट यू नो हाउ मच मनी यू वॉन्ट, हाउ मच अमाउंट यू वॉन्ट, एंड How, by what time and what date you will be rich, कब तक आपको उतना पैसा चाहिए, कितना कमाना है आपने, कब तक कमाना है, और उसके बाद you are having a proper plan। आपके पास plan होता है कि आपने कैसे वो goal जो है अपना achieve करना है। तो यही difference है। अगर आप भी वाकई में चाहते हैं अपने आपको successful होते हुए देखना, अपने आपको successful देखना, तो गोल सेटिंग प्रॉपर करिए। अगर आप गोल सेटिंग प्रॉपर करेंगे तभी अपने आप को अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो आई होप कि ये तरीका आपको अच्छा लगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मैक्सिमम। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।